ये है यूपी के प्रतापगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव धनसारी। यहां पर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर माननीय सहदेव प्रसाद शुक्ला जी द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य और बुजुर्गों के सेहतमंद स्वास्थ्य के लिए एक स्टेडियम की नींव रखी गई है। पूजा अर्चना के बाद ध्वजारोहण किया जा रहा है और फिर राष्ट्रगान किया जाएगा। अब देखिए माता जी के द्वारा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। अब ये छोटी बालिकाओं की 100 मीटर की दौड़ है, जिसमें जो प्रथम आएगा, जो द्वितीय आएगा और जो तृतीय स्थान पर आएगा उनको उचित इनाम दिया जाएगा। ये 18 से कम वर्ष के बच्चों की दौड़ है 100 मीटर की, और देखिए बच्चों में कितना उत्साह है और पीछे पब्लिक कितना शोर कर रही है। ये हैं सरानहार राय विद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल शर्मा गुरुजी, जो कि मेरे पिताजी को पढ़ाए थे। इस दौड़ में प्रथम स्थान पर आने वाले को शर्मा गुरुजी चिन्हित कर रहे हैं और द्वितीय स्थान आने वाले को मैं चिन्हित कर रहा हूँ, और तृतीय स्थान पर आने वाले को एक लोग और हैं जो कि चिन्हित कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो रिजल्ट में। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है स्टेडियम में। देखिए इस तरीके से जो रेस है वो स्टार्ट की जा रही है यहाँ से। दोस्तों ये रेस है NVIC विद्यालय की गर्ल्स की रेस है, जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं वो दौड़ रही हैं। देखिए कितना शानदार दौड़ रही हैं बच्चियां, और ये फर्स्ट, और ये सेकंड, और ये थर्ड। दोस्तों 3000 मीटर की दौड़ स्टार्ट होने वाली है, जो कि असली रोमांचक दौड़ है। ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटी हुई है इस दौड़ को देखने के लिए, और ये स्टार्ट हो चुकी है। देखिए एक साथ 30 बच्चे दौड़ रहे हैं, और इसी तरीके से सेकेंड राउंड में भी 30 बच्चे दौड़ेंगे एक साथ, और ये 1.5 किलोमीटर जाएंगे और उसके बाद वापस 1.5 किलोमीटर आएंगे। चलिए इनके पीछे चलते हैं हम। अब ये रेस खत्म हो रही है, और इसके बाद जो है वो पुरस्कार वितरण किया जाएगा। जो फर्स्ट पर आया है उसको एक शील्ड दिया जाएगा, इसके अलावा ट्रैक सूट दिया जाएगा। जो सेकंड पर आया है उसको ट्रैक सूट दिया जाएगा, और इसके बाद जो थर्ड पे आए हैं उन्हें टी शर्ट दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाइए मेरा चैनल, और वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।